अनुपम मिश्र में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ रहे हैं। अनुपम, देखिए अब चोट के निशान उनके चेहरे पर, सर पर पाए गए हैं, इसको लेकर पुलिस आगे तफ्तीश बढ़ाएगी, लेकिन अब तक जो प्राइमा फेसी सामने आया है वो दरअसल सामान्य मौत का ही मामला है। जी देखिए नेहा, असामान्य मौत का मामला दर्ज किया गया है कोलकाता पुलिस की ओर से न्यू मार्केट थाने के अंतर्गत, क्योंकि जिस होटल में के ठहरे हुए थे, जहां पर वो कॉन्सर्ट के बाद गए और वहां पर गिरकर बेहोश हो गए, वो न्यू मार्केट थाने के अंतर्गत आता है। तो और जब उनको अस्पताल लाया गया तो वो मृत थे, ऑलरेडी मृत पहुंचे अस्पताल में। तो इसीलिए अननेचुरल डेथ, अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम 10 बजे के आसपास होने की बात है, जब उनका परिवार, खासतौर पर अभी उषा उत्तुप से भी हमारी बात हुई, उषा उत्तुप का कहना है उनकी पत्नी यहां आ रही हैं, कुछ ही देर में हो सकता है वो यहां पहुंचे, 10-10:30 बजे के बाद यहां आने की बात है। ऐसे में जब उनका परिवार यहां आएगा तो यहां से जो डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर है, उसको एसएसकेएम अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, इस जगह से फिलहाल हम लोग जहां पर हैं यहां पर केके का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन यहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एसएसकेएम अस्पताल है, जहां पर पोस्टमार्टम होगा केके के पार्थिव शरीर का, और उसके बाद ही जो आखिर हुआ क्या था वो समझ में आएगा, सच बाहर आएगा। लेकिन जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनके होंठ पर और सिर पर हल्का चोट का निशान है, तो हो सकता है वो गिरने से भी हुआ हो। तो आकर अभी हमें किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने ना आ जाए, क्योंकि कल भी डॉक्टरों ने, हालांकि आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा था, लेकिन जब उनसे बात की गई थी ऑफ रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा था कि ये कार्डियक अरेस्ट का, हार्ट अटैक का मामला लग रहा है। और ऐसे में जब हो सकता है वो गिरे हों तो ये चोट आई हो, ये भी हो सकता है। तो फिलहाल इन सब बातों पर जो और रोशनी डालेगा वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी, तो उसी का इंतजार सबको है, परिवार के पहुंचने का इंतजार सबको है। अभी उषा उत्तुप भीतर घुसी हैं, उनकी उनकी पत्नी से बात भी हुई है, वो यहां पहुंच रही हैं। और कोलकाता पुलिस इस बीच में जो मामला दर्ज किया गया है उसके ताल्लुक जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें होटल वालों से बातचीत, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह से मौत की आखिर पुख्ता वजह क्या थी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ अनुपम।